अटेंडेंस हिंदी में क्या कहते हैं, उपस्थिति। तो आप लोगों ने स्कूल्स में भी तो देखा होगा, स्कूल में कभी कभार नहीं होता था 10-12 दिन ना जाओ फिर गलती से रजिस्टर मिल जाता तो बस उठा के पी 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 सब में लगा देते थे, तो वो पी का मतलब प्रेजेंट हो जाते थे बच्चे। तो ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती हैं जहां पर अटेंडेंस के बेसिस पर सैलरी बढ़ती है। जैसे अभी आप लोगों ने पेरोल जो पढ़ा था, तो पेरोल में क्या अटेंडेंस भी लगती थी क्या? वहां तो बेसिक टीए डीए इस तरह होता है। अगर मान लीजिए अगर शर्मा जी आज दो दिन एबसेंट रहे तो ऐसा थोड़ी है शर्मा जी की सैलरी कट जाएगी, उनको सैलरी पूरी मिलेगी। और आप जानते भी होंगे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको पूरे साल भर में कुछ छुट्टियां मिलती हैं, ईएल सीएल कैजुअल मेडिकल इस तरह जोड़ जाड़ का। लेकिन ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जहां पर अटेंडेंस के ही बिहाफ पर सैलरी बनती है। जैसे कि आपके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेबर मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो लेबर मिस्त्री को आप लोग 10-10 5-5 दिन बाद पूरी वेतन देते हैं, तो क्या उनको बेसिक टीए डीए देते हैं? उनको ये थोड़ी बोलते होंगे कल्लू इधर आओ बताओ तुम्हारा टीए कितना हो गया। कल्लू खोपड़ी कुछ ला रहा है, बोल रहा है टीए हमें तो महीने का ये सब नहीं पता, बस पर डे 250 रुपए लगता है ये उसको गिनता है, तो उसको दिहाड़ी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, नॉर्मली घर में जब कंस्ट्रक्शन होता है तो एक अटेंडेंस शीट बना लेते हैं। हमने देखा 25 दिन कंस्ट्रक्शन हुआ, कौन कितने दिन छुट्टी रहा, तो देखा गया भाई कालिया जो है वो 3 दिन एब्सेंट रहा तो 22 दिन आया, और कालिया लेबर है तो लेबर को हम 250 रुपए देते हैं, इस हिसाब से कालिया की सैलरी 5500 रुपए हो गई। वैसे गब्बर जो है, गब्बर प्रमोट होके मिस्त्री बन गया है, वो एक दिन छुट्टी पे रहा तो उसको 24 दिन की सैलरी देनी है 400 रुपए पर डे के हिसाब से। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम लोगों को इस बार जो सैलरी देनी है वो अटेंडेंस के आधार पे है, तो हमें अटेंडेंस निकालनी पड़ेगी। चलिए देखिए कैसे बनेगा ये पूरा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को टैली पे कंपनी से शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने एक कंपनी बना ली। क्या इसमें स्टॉक दिख रहा है आप लोगों को? स्टॉक है नहीं, सिर्फ अकाउंट से काम चल जाएगा हमारा। लीजिए एक नई कंपनी तैयार हो गई। और कंपनी बनाने के बाद अब हम लोग शुरू करेंगे अटेंडेंस। सबसे पहला स्टेप वही F11 बटन। F11 में क्या यस होने वाला है? ये रहा पेरोल। पेरोल में ही अटेंडेंस आएगी, तो F11 पे जाइए और पेरोल यस करा लीजिए। पहला स्टेप वही है। अब आपको इस बार पेरोल में सबसे पहले क्या बनाते थे? पेहेड्स बनाते थे, तो वही पेहेड्स बनेंगे। पहले पेहेड्स ये, लेकिन हमारे यहाँ जो लेबर काम करते हैं तो इनको हम लोग पेहेड्स में बेसिक टीए डीए तो देते नहीं, तो उनके लिए लेबर चार्ज बनेगा। लेबर चार्ज यही है पेहेड। और लेबर चार्ज लेबरों की अर्निंग है या डिडक्शन है? अर्निंग है, अर्निंग में डाली, हमारे लिए खर्चे में आएगा। यहां पर चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन टाइप जो है अब आपकी यूजर डिफाइन नहीं है, ये ऑन अटेंडेंस है, यानी कि लेबर चार्ज जो है वो अटेंडेंस पर आधारित है, तो इस बार कैलकुलेशन टाइप में आपको डालना होगा ऑन अटेंडेंस। ऑन अटेंडेंस पे जैसे ही आपने एंटर किया आपसे पूछेगा अटेंडेंस लीफ विथ पे, यानी कि आप किस मंथ की अटेंडेंस दे रहे हैं या छुट्टियां किस मंथ की दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऑल्ट प्लस सी दबाइएगा। ऑल्ट सी दबाने के बाद यहां पे ले लीजिएगा अप्रैल, अप्रैल के महीने की हम लोग वेतन बांट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछेगा कैलकुलेशन टाइप, कैलकुलेशन किस आधार पे निकाल रहे हैं, तो अटेंडेंस हम लोग दिन के हिसाब से गिनते हैं, रात के हिसाब से, महीने के हिसाब से, दिन के हिसाब से ले रहे हैं, बस बन गया हमारा। तो इस चीज को रफ में नोट कर लीजिए, तो ये आपको काम आएगा। क्या क्या नोट करने वाली चीज है? आपको लेबर चार्ज नाम से बनाना है, पेहेड है, पहला स्टेप यही है जो कि अर्निंग में होता है। मेन चीज है कैलकुलेशन टाइप ऑन अटेंडेंस है, ये अप्रैल नहीं लिखकर आएगा, इसको ऑल्ट सी से बनाना पड़ेगा आपको। ऑल्ट प्लस सी दबाते ही खुल जाएगा, उसमें अप्रैल बना लीजिएगा। कैलकुलेशन मेथड्स में डेज डाल दीजिएगा, तो ये आपका पेहेड बन गया। और छोटाती तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? पेन नहीं है अब, ये सब भी रिकॉर्ड हो जाएगा। हो गया।
अब इतना हो जाने के बाद आपका एक पोर्शन पूरा हो गया। अब एक पोर्शन पूरा होने का मतलब हमारा पेहेड तैयार हो गया, एक्सेप्ट कराइए। आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयज ग्रुप पे जाइए, दो एम्प्लॉयज बनाइए, एक बनाइए लेबर और दूसरा है मिस्त्री। क्लियर हो गए, लेबर मिस्त्री एम्प्लॉयज ग्रुप बन गए। और अब बना लीजिए हमारे यहाँ के सारे कर्मचारी, बताइए पहला कौन है, कालिया। कालिया कौन है, लेबर है। अब कालिया का सर्विस नंबर, डेजिग्नेशन, ये सब हमारे मतलब का नहीं है, कालिया से थोड़ी पूछेंगे। कालिया ब्लड ग्रुप बताओ, तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, काम करवाना है खून नोचना है। जय, जय भी लेबर है। वीरू, वीरू भी लेबर है। गब्बर, गब्बर मिस्त्री हो गया। बसंती, वो हेड लेबर है, लेबरों की इंचार्ज है, इसलिए उसका। सांबा, सांबा बेचारा मेहनती है, ऊपर खड़ा रहता था पत्थर में, देखता रहता था इन लोगों की नौटंकी, और बाके मेहनत करके मिस्त्री बन गया। मनी डिमोटराइजेशन हुआ तब से सब बेचारे लेबर मिस्त्री के काम में आ गए। तो ये तीनों स्टेप पूरे हो गए, तो एक बार आप लोग स्टेप्स फिर से देख लीजिए। पहले स्टेप में पेहेड बनेगा, दूसरे स्टेप में एम्प्लॉयज ग्रुप बनेगा, तीसरे स्टेप में एम्प्लॉयज बनेंगे कर्मचारी, और चौथे स्टेप में सैलरी डिटेल भी बनेगी। तो ये सारे स्टेप्स इसी तरीके से आप लोगों को करने हैं। तो हमारे पहले दूसरा तीसरा तीन स्टेप्स हो गए, सैलरी डिटेल पे जाते हैं। अब आप लोग यहाँ सैलरी डिटेल बनाइएगा, आप लोगों को सबकी सैलरी चढ़ानी है। पहले कालिया से शुरू करें, कालिया को लेबर चार्ज, कालिया कितना लेबर चार्ज लेता है, 250 रुपए, बस एंटर मार दिया, कालिया का लेबर चार्ज फीड हो गया। दूसरा हमारा कौन है, जय, जय का लेबर चार्ज कितना है, 200 रुपए। वीरू, वीरू का लेबर चार्ज कितना है, 200 रुपए। उसके बाद है हमारा गब्बर, गब्बर का लेबर चार्ज 400 रुपए पर डे है। उसके बाद बसंती, बसंती का लेबर चार्ज 400 रुपए पर डे है। उसके बाद है सांभा, सांभा का लेबर चार्ज है 400 रुपए पर डे। क्लियर हो गया, तो लीजिए हमारा एक पोर्शन तो पूरा हो गया। अब सीधा बाउचर चढ़ाते हैं, पेरोल बाउचर। लेकिन पहले इसमें पेरोल बाउचर नहीं चढ़ेगा, पहले इसमें चढ़ेगा अटेंडेंस बाउचर। तो आपको बाउचर में जाके पहले अटेंडेंस बाउचर चढ़ाना है, जब अटेंडेंस फीड हो जाए तब फिर पेरोल चढ़ाना, ठीक है। आप देख रहे होगे अटेंडेंस के लिए यहाँ F5 के नीचे डबल लाइन लगी हुई है। जब कभी किसी भी शब्द के नीचे डबल लाइन आएगी टैली में, तो इसका मतलब होता है इसको कंट्रोल के साथ दबाना है, यानी कंट्रोल F5 से ये काम करेगा। और अगर सिर्फ F5 के नीचे एक लाइन लिखी होती तो ये ऑल्ट के साथ दबानी होती। तो इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि इसकी शॉर्टकट की क्या है। क्लियर, तो हम लोग सीधा कंट्रोल F5 या माउस इस पर क्लिक कर दें तो भी काम चल जाएगा। देखिए अटेंडेंस खुल गई। अब सबसे पहले एक एक करके अटेंडेंस चढ़ाएं। कालिया अप्रैल की अटेंडेंस बताइए कितनी है, कालिया की 22 दिन। उसके बाद फिर ले लेते हैं गब्बर, गब्बर नहीं है, जय, जय की कितनी है, 25। अरे जय तो बड़ा पंक्चुअल है। वीरू 24 दिन आया है। उसके बाद गब्बर, गब्बर 24 दिन आया है। उसके बाद बसंती 23 दिन बसंती आ गई है। सांबा यही मक्कार है, अच्छा वो पार्ट टाइम कंप्यूटर भी सीख रहा है ना, तो कभी कभी आ नहीं पाता है। तो इस हिसाब से हमारी ये अटेंडेंस पूरी फीड हो गई। क्लियर, अब सेकंड बाउचर कौन सा बनाना है, पेरोल, और उसके लिए क्या दबाएं, कंट्रोल F4। यहीं से तो पेरोल खुलेगा, ये रहा, अब पेरोल खुल गया। अब आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ बनाना है, तो उसके लिए ऑल्ट ए दबा दीजिएगा, ऑल्ट ए से अपने आप ऑटो फिल वाला खुल जाएगा। 1/4 से 30/4 आप एक एक करके भी बना सकते हैं, या मैंने ऑल पे एंटर मार दिया क्योंकि मैंने अटेंडेंस सबकी एक साथ ली थी, तो जैसे ही मैं ऑल पे एंटर मारूंगा सारे एक साथ देखिए तैयार हो गया।
इतना ही था 40,100। लीजिए सबका पूरा तैयार हो गया, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की सारी सैलरी तैयार, और ये सैलरी उसने अपने आप कैलकुलेट कर दी है अटेंडेंस के हिसाब से। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, तो आंसर यही दिख गया 40,100। और आप चाहें तो इसका आंसर, अब मान लीजिए पे स्लिप निकालनी है तो पेरोल इन्फो में यहाँ पे सबके लिए दी रहती है, अटेंडेंस शीट दी गई है। देखिए अटेंडेंस शीट दिखा रहा है अप्रैल में हर एम्प्लॉयज की कितने कितने दिन की अटेंडेंस है, तो आप अटेंडेंस भी देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों को स्टेटमेंट देखना है तो यहाँ स्टेटमेंट में सैलरी भी दिखा रहा है जो कि आपको दिखाई देती, लेकिन देखिए ऊपर बेसिक टीएडीए खत्म हो गया। और अगर कोई आदमी आके कहता है कि हमें पे स्लिप में दे दो, मान लो सांबा आ गया बोलता है कि हमें एक पे स्लिप साइन करके दे दो, दूसरी जगह मांग रहे हैं, तो हमने सांबा पे एंटर मारा, यहाँ पूरा डिटेल आ गया। सांबा का अगर हम डिटेल भरते इंप्लॉय वगैरह तो यहाँ लिखा रहता, यहाँ दिखा रहा है 15 दिन की अटेंडेंस, लेबर चार्ज 3,000-6,000। तो इस तरीके से अब हमारे पास अटेंडेंस भी है और सैलरी भी है।